स्वागत है आपका आपके चैनल आलम वुडवर्क में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए एक डिजाइन और लेके आया हूँ जो एक अलमारी का डिजाइन है, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। और दोस्तों, मैं इस अलमारी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये काफी छोटी अलमारी है और आपके बजट में भी रहेगी। तो दोस्तों, मेरी यही उम्मीद रहती है कि आपको कम से कम बजट में और अच्छी से अच्छी चीज दिखा सकूँ। तो दोस्तों, पहले हम मेरे पीछे जो बना LCD पैनल है इसको देख लेते हैं, और ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे, इस वजह से मैंने आपको ये सोचा कि इसको भी वीडियो में ले लेता हूँ। तो ये इसकी जो कलरफुल माइका है वो काफी अच्छी लग रही है, बाकी इसमें काम ज्यादा नहीं है, हमने बस खाली फट्टे लगा के तीन और इसको दीवार पे कस दिया है। जो इसका कलर है वो थोड़ा लुकिंग में है, तो इस करके थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेल्फ है और यहाँ पे एक शेल्फ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी ये बस कलर इसका थोड़ा अट्रैक्टिव है। तो अब हम अपनी जो हमारी अलमारी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें, कहाँ कहाँ पे क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट किया है हमने। यहाँ पे सबने शुरू में हमने यहाँ पे हैंगिंग का सिस्टम दे दिया है, तो इसमें सामान रखा है, तो मैं ये सामान नहीं निकालूंगा, ऐसे ही आपको बता देता हूँ। यहाँ हमने हैंगिंग ले ली है जो कि कपड़े हैंग अपने कोट वगैरह हैंग कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर हमने 18 इंच का जो है अपना एक 18 इंच का हमने इसमें बॉक्स दे दिया है, जिसमें आप अपना जो नीचे जो ज़्यादा यूज नहीं आने वाला सामान है वो इसके ऊपर अंदर रख सकते हैं। और उसके बाद नीचे हमने यहाँ पे ड्रॉर दे दिया है, ड्रॉर में आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। और इसके लॉक हमने इसमें लगा दिया है, लॉक भी कर सकते हैं आप इसको। लॉक लगाने के बाद अब इसके नीचे हम जो स्पेस बचा है उसके अंदर आप अपना कुछ भी कपड़े बहुत सारे होते हैं वो रख सकते हैं। इसके अंदर जो हमने जो माइका यूज़ किया है वो माइका है वुडन कलर में, वुडन शेड में माइका है इसका। और यहाँ पे हमने जो इसकी स्लाइडर की फिटिंग है वो हैडिच की ले ली है, हैडिच की फिटिंग है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्टली ये बिल्कुल चल रहा है, सॉफ्टली चल रहा है बिल्कुल। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो शेल्फ है इसमें पांच रैक्स बना दी है, और इसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं पांच रैक लिए। उसके बाद हमने नीचे यहाँ पे शू रैक बना दिया, हमने डोर दे सकते हैं आप शू रैक है। इसमें हमने चैनल का यूज नहीं किया है, इसमें हमने यहाँ पे रेडू लगाए थे, रेडू होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दें और कमेंट करें, और दोस्तों में अपने शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आप लाइक करते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लें यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका, इसमें कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं। और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपके एक सब्सक्राइब से, हमारा 1000 गुना मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा ये मन करता है कि हम और वीडियो बनाएं। आप अगर हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा हमारा। तो दोस्तों।